गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। आज हम सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। हसन बायस टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। हसन ने दो तरह का कपड़ा खरीदा, एक शर्ट के लिए जिसकी कॉस्ट है ₹50 पर मीटर और दूसरा ट्राउज़र के लिए जिसकी कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 meters ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बायस 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल। मतलब अगर वो ट्राउज़र का कपड़ा 2 meters खरीदता है तो उसके लिए वो शर्ट का कपड़ा 3 meters खरीदेगा। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं कि ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल का रेशो क्या हो गया, 2:3। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने उन कपड़ों को 12% और 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यहाँ हमें ध्यान देना है कि इसने 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसका मतलब जो टर्म पहले लिखी है, जैसे इसने शर्ट मटेरियल पहले लिखा है और ट्राउज़र मटेरियल बाद में, तो इसका मतलब जो 12% प्रॉफिट है वो शर्ट मटेरियल पर है और 10% प्रॉफिट ट्राउज़र पे है। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। उसकी जो टोटल सेल हुई उसे बेचने से वो 36,600 रुपीज़ हुई। देन हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने कितना ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा। तो हमने यहाँ पे मान, क्योंकि ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल का रेशो 2:3 है, तो हमने मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट इज 2x, देन द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल बॉट विल बी 3x मटेरियल। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 meter शर्ट मटेरियल इज गिवन ₹50। तो हमने शर्ट मटेरियल कितना खरीदा था, 3x। तो 3x की कॉस्ट क्या हो गई, 50 × 3x, दैट इज 150x। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 meter ट्राउजर इज गिवन ₹90। सो 2x meter ट्राउजर की कॉस्ट क्या हो गई, 90 × 2x, दैट इज 180x। नाउ द प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल इज 12%। सो द इन रुपीज इट विल बी 12% ऑफ कॉस्ट प्राइज, एंड कॉस्ट प्राइज इज 150x। सो 12% 12/100 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 150x। When you cancel it, you will get 18x. So, SP of shirt, selling price is cost price plus profit. So, it is 150x plus profit, that is 18x. So, the selling price of shirt material is 160x. Now, the profit percent on trouser is 10%. So, the profit in rupees will be 10 / 100 × 180x. It's CP, so it is also 18x. Now SP of trouser, again CP of trouser plus profit, that is 180x plus 18x, 190x. Now you are given that the total selling price is ₹36,600. So add the two selling prices, 160x plus 190x is equal to 36,600. So on simplifying, you will get x is equal to 100 and the length of trouser material is 2x. So it is 2 × 100, that is 200 meters. Now next question. Half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Ek hirno ka jhund hai jiske mein se aadhe hiran वो घास चर रहे हैं किसी फील्ड में, और जो बाकी बचे उसका 3/4 वो खेल रहे हैं आसपास। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और बाकी कितने बचे, 9 बचे, वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो उस झुंड में कितने हिरन थे, तो हमने मान लिया उस झुंड में एक्स हिरन है। So let the number of deer in the herd is x. Then the number of deers grazing, that is half of the herd, that is x by 2.
एंड द रिमेनिंग वंस रिमेनिंग डियर्स विल बी कैसे निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x टोटल थे उसमें से x बाय टू दे आर ग्रेसिंग, सो द रिमेनिंग आर 2 एलसीएम 2x माइनस x दैट इज x बाय टू. नाउ द 3/4 ऑफ इट दे आर प्लेइंग नियर बाय, सो द नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय is 3/4 of x by 2, that is 3x divided by 8. Now, how much is remaining? Remaining deers are x total the, usme se x by 2, they are grazing, and 3x by 2, 8, they are playing. So it is x minus, take the LCM, LCM will be 2, 8, then 8 divided by 2, 4, it will be 4x plus 3x, that is x minus 7x by 8. So it becomes 8x minus 7x by 8, after taking the LCM, you will get x by 8. Now it is given that the remaining deers, they are 9 and they are drinking water. So remaining deers means x by 8, they are 9 in numbers. So x is equal to, after cross multiplying, you will get 72. So the number of deers in the herd, they are 72. Next question, 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. एक दादाजी अपनी पोती से 10 गुना अधिक उम्र के हैं. He is also 54 years older than her. और वो उससे 54 years बड़े भी हैं. Find their present ages. So let the present age. Present age of granddaughter is x years, then present age of grandfather will be 10 times older, 10 times means 10 guna, guna means multiply, 10x years. Also, it is given that the grandfather is means equal to 54 years bade hain. Bade means add karna hai aapko kisse? Granddaughter se. So granddaughter ki age x tha. So plus 54. So transpose this term on the left hand side. You will get 10x minus x is 54. So 9x is 54. So x is equal to 54 by 9. So, so granddaughter's age is x, that is 6 years, and grandfather's age is 10 times, that is 60 years, 10 multiplied by 6. टेंथ क्वेश्चन, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. अमन की एज अपने बेटे की एज की 3 गुना है. तो बेटे की एज हमने मान ली, लेट सन्स एज इज एक्स ईयर्स, देन अमन्स एज इज 3 टाइम्स, मतलब 3x ईयर्स हो गए. 10 ईयर्स एगो He was 5 times his son's age. तो 10 years ago, 10 साल पहले के लिए क्या करेंगे आप? 10 साल माइनस कर देंगे प्रेजेंट एज में से. So 10 years ago, his son's age will be x minus 10, and Aman's age
विल बी 3x माइनस 10। अब ये दिया है कि ये जो 10 साल पहले की एज थी वो 5 गुना है, मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी बेटे की एज थी 10 साल पहले। सो 3x माइनस 10, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन राइट साइड, दिस, देन ट्रांसपोज द टर्म्स, यू विल गेट -10 + 50 = 5x - 3x, लाइक देन 40 = 2x, सो 40 डिवाइडेड बाय 2, ट्रांसपोज किया उसे लेफ्ट साइड में, सो एक्स इज 20। सो अमन्स सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स एंड अमन्स प्रेजेंट एज इज 3x, दैट इज 3 × 20, दैट इज 60 ईयर्स। तो बेटा इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे और कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।